वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास ये है 12 वोल्ट का चार्जर। इस चार्जर को आज हम शॉर्ट सर्किट करने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं इस चार्जर का क्या होता है। और ये है हमारे पास वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर से इसका वोल्टेज मेज़र करेंगे और देखते हैं कितना वोल्टेज आउटपुट देता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चार्जर 10 एम्पियर का है और ये 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले इसका हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे, उसके बाद इस दोनों टर्मिनल को यानी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करेंगे। और ये है वायर, इस वायर की मदद से इस टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे। फिर ये देखिए, जैसे इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं, ये मीटर का नीडल जो है आगे की ओर जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग मोड में है जी। ये देखिए, यहाँ पर स्पार्क भी हो रहा है, यानी एकदम ओके है। बस इसको हम शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करने से पहले इसका हम वोल्टेज मेज़र कर लेंगे, कितना वोल्टेज आउटपुट में हमें दे रहा है। तो वोल्टेज मेज़र करने से पहले इस वोल्ट मीटर को हम ऑन कर लेंगे और 20 वोल्ट डीसी रेंज पर इसको हम सेट कर लेंगे, उसके बाद वोल्ट को मेज़र करेंगे। तो पॉजिटिव प्रोब पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब नेगेटिव हम लगा देंगे और देख सकते हैं आप, यानी 9.7 यानी दोस्तों इसमें 9.7 वोल्टेज आउटपुट में आ रहा है। तो चलो अब इसको हम शॉर्ट करते हैं। तो इस टर्मिनल को शॉर्ट करने के लिए हम यहां पर 1 mm का वायर यूज कर रहे हैं। तो बस दोस्तों, अब इसको हम ऑफ कर देंगे और इसमें हम वायर को इस 12 वोल्ट में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है इस वोल्ट मीटर का, ये वोल्ट मीटर बचता है या नहीं बचता। तो ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, इस नेगेटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे इसमें। तो हमारा कनेक्शन हो गया, बस इसका जो नट है इसमें हम लगा देंगे ताकि ये टाइटली से लगा रहे इसमें। तो ये दोस्तों लग गया है। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के कंटेंट मैं अपने इस चैनल पर डालता हूं। तो दोस्तों, हमारा कनेक्शन हो गया है, अब बस इस चार्जर को अब ऑन करने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं इस चार्जर का क्या होता है। सेटअप कंप्लीट है दोस्तों, अब इसको हम ऑन करेंगे और ये देखिए, ऑन करते ही ये मीटर का निडल जो है 8 एम्पियर पर चला गया है, यानी 8 एम्पियर करंट ये ले रहा है शॉर्ट करने पर। ये टोटली शॉर्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल इसका टोटली शॉर्ट हो गया है और ये लगभग 8 एम्पियर तक का करंट ले रहा है और ये चार्जर हमारा 10 एम्पियर का है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कितना ध्वनि दे रहा है, यानी साउंड इसमें से आ रहा है। इसका ट्रांसफार्मर काफ़ी तेज़ी से हमिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट इसका कर दिए हैं हम, और ये शॉर्ट सर्किट में ट्रांसफार्मर पे अत्यधिक लोड है, इसलिए ट्रांसफार्मर हमिंग की साउंड दे रहा है। ये देखिए, ये लगभग 6.23 के रेंज में करंट ले रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा डाउन है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ये 10 एम्पियर पे जाता, क्योंकि ये चार्जर जो है 10 एम्पियर का है। तो दोस्तों ये हमारा काफ़ी हीट भी हो रहा है, इसमें से स्मेल भी आने लगा है। तो चलो इसको अब हम ओपन करके देखते हैं इस चार्जर का क्या हुआ। तो अभी हम इसका स्क्रू ओपन कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं ये बचा कि गया। तो दोस्तों लगभग स्क्रू ओपन होने वाले हैं, उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे, फिर देखते हैं इस चार्जर का क्या हुआ। ओ दोस्तों इस चार्जर का ट्रांसफार्मर जल गया, वो गया, ये देख सकते हैं बॉबिन इसका पूरी तरह से पिघल गया है, और जो वाइंडिंग वायर है वो भी जल चुके हैं। ये देखिए बॉबिन इसका बहुत, यही बॉबिन थी जो स्मेल दे रही थी, ये देखिए। और सेकेंडरी वाइंडिंग इसका देखिए चल के एकदम काला हो गया है दोस्तों, और इसका वायर देखिए, वायर भी पिघल गया है। वाह दोस्तों, दोस्तों आप ऐसा कुछ भी करने की ट्राई ना करें, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें। तो ये देख लिए दोस्तों ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट करने पर क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ही इसको हमने शॉर्ट सर्किट किया, काफी देर तक शॉर्ट सर्किट किया, और ये गया खत्म खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो दोस्तों इस चार्जर की कुर्बानी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद जय भारत।